ठीक है भाई, पेमेंट मुझे मिल गई है। बाकी आपको मैं एक और बात बता दूं, अगर आपको उसकी ट्यूनिंग, अगर कुछ भी इसमें डिटेलिंग का काम हो ना, तो ये मेरा कार्ड है, ठीक है, ये मेरी वर्कशॉप है, इसी रोड पे सीधा जाएंगे अपना ये थिएटर है ना, मूवी थिएटर, उसी के थोड़ा सा आगे जाके सीधे हाथ की दुकान है, आपको मिल जाएगी, ठीक है। इधर आ जाएं, इधर आपको ना अच्छे से जो है ना डिस्काउंट प्राइस में मैं आपको ना करवा दूंगा, ठीक है। हाँ मेरी है, मेरी है, ठीक है। हाँ ओके, चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। चलो मेरे भाई, गाड़ी बिक गई। हाँ सगे भाई, गाड़ी बिक गई। हाँ यार लड़की, गाड़ी बिक गई यार, दिल नहीं कर रहा जाने का अपनी गाड़ी के पास से। हमें छोड़ो, चला दे, तुम नहीं थे वैसे भी। हाँ बात तो तू सही बोले, चलाता तो नहीं था, मगर यार फिर भी दिल की तो बड़ी करीब थी ना। चल यार लड़के, बैठ गाड़ी के अंदर, अभी निकलते हैं वर्कशॉप, वरना ना ये काला लहू बन जाएगा मेरा। हाँ ये भी बात सही है, मगर यार दिल दुख रहा है, यार दिल दुख रहा है, देखो तो सही जरा। हाँ यार चल कोई नहीं यार, अभी पैसे आएंगे फिर ले लेंगे। कितने की डील हुई वैसे? अबे लड़के हो गए यार, डील हो गई, अच्छी खासी हो गई यार, 12 लाख की हो गई। सॉरी यार, हैं 12 लाख? वैसे तुमने ली 8 लाख की थी, तुम बहुत हरामी हो। अबे तू भाई, 8 लाख की चीज़ लिए तो बेचूंगा तो अपने फ़ायदे में ना तेरे। तू कैसी बातें कर रहा है यार, शोरूम वाला होगा तुम ऐसी बातें कर रहे हो, तुम लाना तो तुम्हारी शक्ल पे। हाँ भाई, कौन सा शोरूम? और तेरे बाप का शोरूम चल नहीं रहा क्या? अबे क्या हो गया, पापा घर पे रहते हैं, शोरूम तो ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है, बस अभी जो है ना जंग लग रहा है शोरूम पे। नहीं कर लड़की, और क्या यार, पापा का काम पे नहीं जाते, पापा के पास पैसा ही इतना है कि भाई घर बैठे उनकी नस्लें खाएंगी बैठ कर। हाँ ये तो है, तेरे बाप का पैसा इतना कि तेरी भी नस्लें खाएंगी हरामी। हाँ तेरे बाप ने इतने डाके मारे, इतने डाके मारे कि अल्लाह ही पूछेगा उससे। तो अबे किधर गई दुकान? गलत मुड़ गया ना साले, नीचे जाना है यहाँ से। तुम में ना, तुम्हें कुछ पता है नहीं, तुम बस जो है ना छोड़ियाँ मारते हो। अबे क्या हो गया? ये देख काले की कॉल आ गई, नया नहीं उठाऊंगा साला। अबे उठा लो ना। अबे अब क्या करूँगा उठा के साले, वो देख सामने दुकान है, वर्कशॉप आ गई और तू बोल रहा है उसकी कॉल उठा ले, आने तो फजूल का बैलेंस आया करेगा तू। अबे तो तुम्हारा थोड़ी हो रहा है, उन्हीं का हो रहा है। गाड़ी इधर ही लगा दो, कचरा देख हरामी से, मैंने बोला कि सफाई करेगा कर। अबे तो क्या अकेले की तुम्हारी जगह थोड़ी है, देखो बाकी ये जितनी दुकान है इनसे बोलो ना भाई, ये भी सफाई करा करें। अबे ये क्या करेंगे साले, हरामी है सारे। आ जाए यार चलते हैं। यार वैसे मौसम टाइट हो रहा है, मेरा ना प्लान बन रहा है कुछ। कौन सा प्लान, कैसा प्लान? अबे मैं बोल रहा हूँ यार, बड़ी फटीकों से निकले यार अभी, चलो और काम भी तुम्हारा चलो अच्छा हो, सेट हो गया। मैं बोल रहा हूँ यार क्यों ना यार कोई पिकनिक ट्रिप मारे यार, बहुत टाइट मज़ा आएगा। मौसम तो देखो यार, अभी थोड़ी सर्दियाँ हल्की हल्की, देखो यहाँ भी सर्दी हो रही है। मैं बोलता हूँ ना कहीं पहाड़ों में चलते हैं, बर्फबारी में आए, मज़ा आ जाएगा, फुल कैंप वैम्प लगा के तपरियाँ करके आएंगे। बोल तो तू ठीक रहे, मगर अभी चल यार काम करते हैं, इसके बारे में सोचेंगे, आ जा। चलो सोचना। हाँ हाँ सोचेंगे लड़के, सोचेंगे, आ जा यार। बंदर तो कोई है ही नहीं, काला किधर गया वह पता नहीं किधर है। अबे अभी एकदम से कहाँ से आ गई चीज़ें, अभी तो नहीं था, कोई भी अंदर नहीं था, कोई भी अंदर नहीं था। अबे लग रहा है भूत है भाई, इस दुकान के अंदर भूत है। अबे भूत भूत कुछ नहीं, ये हरामी रॉकस्टार वालों के ग्लिच और कुछ भी नहीं है। अबे काले दुकान के अंदर भूत है भाई, भूत है दुकान के अंदर। अबे भूत भूत नहीं है, बता तो रहे रॉकस्टार का ग्लिच है, छोड़ भाई उसको, बातें नहीं करा अगर, ये आवाम फिर ना बोलती है। हाँ हाँ समझ गया, क्या कर रहे अभी, क्या कर रहे काले? अबे तेरे को मैं कॉल कर रहा था, तू कॉल नहीं उठा रहा। एक गाड़ी आई हुई है BMW भाई, ये बनानी है, ये इसका थोड़ा इंजन का काम है और ये पेंट वेंट होने आई है। अच्छा चल चल कर यार कर, लड़के वैसे भी इसने मॉडिफाई करी हुई है, मेरे लिए क्या काम है। ये गाड़ी देख रहे लेक्सस, ओ तेरे खैर, ये आई हुई थी ज़रा ना डिटेलिंग के लिए, ये साफ़ सुथरी होने आई हुई थी, पूरे तेरे भाई ने डैशबोर्ड पे पॉलिश मारी है, पूरी बाहर से साफ़ करी है, और टिंट भी करने थे ना ग्लासेस, तो टिंट भी करी है, ये भी डिलीवर करके आनी है। नहीं कल लड़के, एड्रेस दे। एड्रेस तुझे मैं सेंड कर देता हूँ अभी व्हाट्सएप पे, ये फ़ौरन जा, ये जो है ना आज जो है ना किसी की शादी है तो इसलिए ये बनने आई हुई थी। हाँ तो इस पर फूल पत्ते कौन लगाएगा? अबे वो अपना काम थोड़ी है। हाँ ये भी है, चल ठीक है काले मैं होकर आता हूँ। और ये मनोज फैसल नहीं आया अभी तक? अबे नहीं फैसल तो नहीं आया, अबे यार वो बंदा भी नहीं आया जो आना था यार आज। काको पिस्टल नहीं आया? अबे नहीं नहीं आया। अबे यार इसको मैंने रात को मैंने कॉल तो करी थी, मैं वो बोले थे यार पहुँच जाऊँगा साकी भाई, उसको भी काम की ज़रूरत है यार। मैंने चल मैं उससे बात करता हूँ दोबारा कॉल पे कि कहाँ है, वैसे आ जाना चाहिए था। चल ठीक है काले, मैं इसको ना डिलीवर करके आता हूँ। हाँ यार इसको डिलीवर कर। आ जा यार मोटे, बैठ गाड़ी के अंदर। चलो यार मैं तो पीछे बैठूंगा। ओए होए क्या गाड़ी है सागी भाई।
लड़के क्या गाड़ी है भाई, सीटें तो चेक कर। वैसे मज़ा आएगा अगर इस पे हम ऐसी गाड़ी पे कोई ट्रिप व्रिप मार के आए ना, तो ही मज़ा आएगा। चल यार निकालते हैं। पीछे देख कर। ओ भाई देख कर निकालियो, ठोक मत दियो। अबे क्या गाड़ी समझा है अपनी तरह तूने। अबे ये दरवाज़ा बहुत छोटा है यार गाड़ी के लिए। तभी तो फ्रैंकलिन भाई बोल रहे हैं, देख कर देखे लग ना जाए भाई, लग ना जाए। अबे मनोज यार कहाँ पे खड़ी की, अंदर कैसे लेके आया होगा? पता नहीं कैसे लेके आए होंगे। देख कर निकाल भाई, देख कर, सामान भी है। ये ज़रा अंदर काटनी पड़ेगी। ये निकले, ये टेढ़ी करके निकलेगी साली, ये देख रहे। हाँ सही है, वैसे तुमने रेड मारी दरवाजे की। अबे कुछ नहीं हुआ, ये मनोज जो है ना ये बहुत छोटा दरवाज़ा है यार, कुछ करना पड़ेगा यार इसका। हमें क्या करोगे इसका? एक मिनट, काला जब तक जो है ना मुझे भेज रहा है लोकेशन भेजे। वैसे गाड़ी टाइट है यार, वो तेरे फायर डैशबोर्ड तो चेक कर। दो दो LCD लगी हुई मेरे भाई, AC तो फुल चिल कर रहे। अबे AC बंद करो भाई, हीटर चलाओ हीटर, बाहर सर्दी हो रही है, तुम भी ना बीमार करवाओगे हमें। लड़के गाड़ी टाइट है, अपने बाप को बोल AC ले ले। हमें अभी तो है उनके पास भाई लैंड क्रूजर, और कौन सी गाड़ी लेंगे। चल भाई मोटे लोकेशन आ गए, अपन चलते हैं इसको, ज़रा डिलीवर करके आते हैं। ये फैसल भाई ना आज फिर निकले हमें कोई हराम पाई करने के लिए। और तुम ना ये देख कर चलाना गाड़ी, ये कस्टमर की गाड़ी है, कहीं ठोक दी ना तो ये पैसे वैसे काट लेगा और कुछ भी नहीं है। हाँ मोटे देख कर चलाऊँगा यार। वैसे मेरा भी दिल कर रहा है कहीं पिकनिक विकनिक पे चले। इतने फटीकों के बाद जो है ना, अगर अपन थोड़ी पिकनिक होके आ जाएंगे 1-1.5 हफ्ता। अबे 1-1.5 हफ्ते नहीं, 3-4 दिन भी बहुत हैं। हाँ ये भी, अगर 3-4 दिन भी अगर होकर आते ना तो टाइट है यार, मज़ा आ जाएगा फुल। वही तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि मज़ा आएगा, तुम समझ ही नहीं रहे मेरी बात। अबे लड़के समझ गया ना, बात करते हैं। ये आज जो है ना काको पिस्टल आ जाए। तुमने कॉल करी थी क्या, सच बताओ? अबे हाँ मोटे मैंने कॉल करी थी, मैंने बोला यार उसको मैं ज़रा बुला लूँ ताकि जो है ना सारा मामला सेट हो जाए। बंदा आ जाएगा ना तो यार टेंशन नहीं होगी, अपन कहीं भी निकल सकते हैं। उसका भी जो है ना काम वाम जो है, बोल रहा यार मेरे को भी जॉब से निकाल दिया, वो जो पहले जो है काम कर रहा था वर्कशॉप का, तेरे को पता है वो कारीगर आदमी है। देख कर भाई तुम बातों के चक्कर में ना गाड़ी की रेट मत मार देना। भाई नहीं मारूंगा यार तेरे पे, तुझे भरोसा ही नहीं अपने भाई पे यार। मैं भरोसा तो है, मगर कस्टमर की गाड़ी है ना यार। हाँ तो यार वो भी आते ही होगा यार, लड़का आ जाएगा, उसको भी ज़रूरत है, सारी सी बात है यार। हाँ आ जाएगा यार, वैसे आ जाएगा, लोकेशन भी आने वाली है। ये मुझे लग रहा है सीधे हाथ वाला जो है ना ये फार्म हाउस, वहाँ पर ही डिलीवर करनी है। लड़के मुझे लग रहा है इन्होंने ये बुक किया है, वो शादी की बात कर रहा था ना काला, कि किसी की शादी है, मुझे लग रहा है इधर ही है कहीं। चलो तुम्हें क्या, तुमने तो बस यहाँ डिलीवर करनी है। रुक यार, हाँ इधर अभी यही है भाई, ये देख रहा गाड़ियाँ खड़ी हुई, गार्ड्स भी खड़े हैं, इधर ही गाड़ी खड़ी कर देता हूँ। आ जा मोटे। चलो भाई तुमने एक बात तो सोची नहीं, क्या ये वापस कैसे जाएंगे? ओबे तेरी खैर, आ जा यार पहले इससे बात करते हैं। देख कर भाई गने वने भी है। अबे तो हम कौन सा चोर हैं भाई, गाड़ी लेकर आए। अस्सलामुअलैकुम मैजान। वालेकुम सलाम। ये गाड़ी बनने आई हुई थी हमारे वर्कशॉप में, तो ये हो गई है, तो ये ना अभी डिलीवर करने आए, पेमेंट हो गई थी इसकी। ये रात को शादी के लिए आई है, सही है सही है, आप इधर ही खड़ी करते, चाबी अंदर ही लगी रहने दे। हाँ चाबी अंदर है। ओके अल्लाह हाफिज़। ओके ओके, बस इतना सा काम था और क्या, तू क्या समझ रहा था? अबे तो ये फ्रैंकली मैं खुद नहीं कर सकते। अबे वो काम कर रहा था भाई, BMW का काम कर रहा था साले। अबे यार मोबाइल में देखता हूँ अगर टैक्सी का नंबर हो ना मेरे पास। शिट यार शिट, नहीं है भाई मेरे पास मोटे, नहीं है मेरे पास। ये मैंने अपना मोबाइल जो ना रिसेट मारा था, मसला कर रहा था, इसी की वजह से सारे कॉन्टेक्ट चले गए मेरे। रुक यार तेरे पास है? नहीं यार मेरे पास भी नहीं है। हाँ तो तुम टिप्पियाँ देखा करो ना, काम की चीज़ नहीं रखा करो। अबे क्या होंगे, क्या बातें कर रहे हो? कुछ नहीं यार, अभी कैसे जाए यहाँ पर? यहाँ पर रुकते हैं 5-10 मिनट, टैक्सी आ जाएगी तो उसी को रोक लेंगे, क्या बोलते हो? देखते हैं अगर आती है तो ठीक है, वरना यार क्या करेंगे, पैदल जाना पड़ेगा। अबे पागल हो रहे हो, इतनी दूर पैदल कौन जाएगा? आ जाए, इधर ही खड़े होते हैं। मेरी ना आँख में कुछ चले गया है। क्या चलेंगे? अबे यार अभी रुक यार, कुछ चले गया मेरी आँख के अंदर, दर्द कर दी है। इधर है साली, अब देखो टैक्सी, एक भी टैक्सी नहीं आएगी। मनोज सिगरेट ही जला लेते तब तक साला। भाई तुम इतनी सिगरेट पीते हो, मरते ही नहीं हो कभी तुम।
तेरी काली जुबान साले। आए हाय हाय, टैक्सी आ जा भाई, टैक्सी 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 टैक्सी, मेरी समैक्सी 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 किधर गई? मनोज की बच्ची टैक्सी नहीं आएगी आज मोटे। मुझे नहीं लग रहा कि आ जाएगी, ये हमेशा का हो गया यार, ये वैसे हमेशा का हो गया साल है। ओए दस ग्यारह आखिरी आखिरी फैसल, उठ जा उठ जा। ओए ओ बारह पे एप्स बनाने, बच्ची सेट करनी है, एप्स बनाने भाई। आए बुढ़ा हो गया यार, मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, सबर करो। आए चलो भाई चलो। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल है भाई तुम लोगों के? पास यार तुम्हारा फैसल भाई जरा ना एप्स वगैरह बना रहा था, आए यहाँ पर आया होता था। अब तुम लोग बोलोगे सामने जिम में क्यों नहीं गया? यहाँ पे बहुत हरामी लोग हैं, चार चार हज़ार रुपये फीस मांग रहे इतने चुते यहाँ पे के जिम के। हाँ नहीं तो अकेला करना होता है, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ सुबह सुबह, ये मैं पुलअप मारता हूँ बारह, ये ट्राइसेप के कुछ मार लेता हूँ, और यहाँ पर मैं बाइसेप मार लेता हूँ, मैं यहाँ सेटअप मार लेता हूँ ताकि थोड़ी वार्म अप हो जाए ना यार। हाँ नहीं तो एक तो इतनी ठंड हो गई है, तुम्हारा भाई फिर भी बनियान में घूम रहा, फिर जिम आना पड़ता है ना, ये किसकी कॉल आ रही है? सब्र करो। साकिब ये क्यों कॉल कर रहा है? अबे यार वर्कशॉप के लिए लेट हो गया लग रहा है, रोको। हाँ बोल भाई साकिब, कॉल क्यों कर रहा है? यार मनोज यार एक काम कर, मैं तेरे को लोकेशन भेज रहा हूँ। लोकेशन क्या भेज रहा हूँ? वो तूने फार्म हाउस देखा यहाँ पर थोड़ा शहर से बाहर हाईवे के साइड पे ऊपर वाले रोड पे? हाँ उसका क्या हो गया? अबे उधर खड़े में उधर गाड़ी डिलीवर करने आए थे साले, यहाँ पर टैक्सी नहीं मिल रही और ना कोई रिक्शा चिंची भी नहीं आ रही ना जिसके अंदर अपन बैठ कर आ जाए। तू एक काम कर यार बाइक पे ना, तो आ जा यार लेने आ जा अपन को। चलो सही है, आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा क्यों? अबे वो मैंने एटीएम से पैसे भी निकाल लिए ना तभी इसलिए बोल रहा हूँ। चल सही है, आधा घंटे में आ जा, जल्दी आ जाइए यार लड़के। हाँ नहीं तो मनोज के बच्चे सारे आधे काम मैं करता हूँ इनके। ये देखो भाई ये सारे आए हैं बॉडी बिल्डर्स, वो बच्चियाँ भी आई हैं और तुम लोग को भी दिखाता हूँ, वे आंटियाँ भी आई हैं मोटी मोटी। तो भाई ये मनोज का बच्चा वीडियो बना रहा है इसके माँ, वो माल चेक करो। अभी जो है ना ये लड़कियों का टाइम है, ये लड़कों का टाइम सुबह होता है, ये देखो सारे लड़कियाँ आई हैं। ये हराम, ये देखो ये एक हरामी कर रहा है, ये जो ना यहाँ का ट्रेनर है तभी कर रहा है यहाँ पर। ओए होए ये हरामी यहाँ पर लड़कियों की वीडियोस बना रहा है। वो डेरी भाई यारी चेक करो, ओ भाई निकलो भाई यहाँ से, मैं पता नहीं किस कामों में लग गया हूँ। ये अभी जो है ना यार मेरे को ज़रा पैसे निकालने से डरा ना ये, इसलिए मैं यहाँ पर ये एक मिनट यहाँ पर एक एटीएम रखा होता है। किधर गया किधर गया? हटो पी पी, अभी हटो ना हरामी के बच्चों, इधर ही रखा होता है भाई इधर। अबे ये रहा ना, ये रहा ये रहा ये रहा, अबे ये रहा देखो ये रहा एटीएम इधर। अबे तेरी यार इसका स्टैंड का मसला खत्म नहीं हो रहा मनोज, क्या खड़ी करूँ ये एक मिनट, अब सही है। अबे अंडे के बच्चे देख कर चलना हरामी, क्या देख रहा है इधर? मनोज निकल यहाँ से, एटीएम से पैसे निकालने। ओ टेडी ये तुम लोग ने मेरा बैंक बैलेंस देख लिया, बहुत हराम है, सब्र करो अभी हाइड करना पड़ेगा। ये पैसे निकाल लिए मैंने, वो ये किसी को बताना नहीं कि मेरे पास इतना पैसा, वरना जो है ना मैं ये साकी बहुत हरामी है, ये सारा पैसा ले लेगा मेरे से। हाँ ये मैंने बड़ी मेहनत से कमाया, चलो चलते हैं भाई। पेट्रोल डलवाना था इसके अंदर मगर अभी तो चल जाएगा भाई, आधी टंकी है। ये चलता हूँ भाई इन हरामियों को लेकर आता हूँ साकिब को, ये मोटा बेस्टी के साथ होगा। चल मेरा भाई, अरे हाय मौसम देखो इतना प्यारा हो रहा है, मेरा तो भाई कहीं घूमने का दिल कर रहा है। तुम लोग बताओ कहीं घूमने चलेगा यार? मेरा तो दिल कर रहा है क्योंकि यार मौसम इतना सुहाना हो रहा है, बिल्कुल तुम्हारे स्पेशल भाई की तरह। मैं तो सोच रहा हूँ कि ये ना साकिब को मैं बोलूँ, जिमी को भी मैं बोलता हूँ यार कहीं चलते हैं भाई, बोले एकदम मजे करके आएंगे। ऐसी बात थोड़ी है कि बस 24 घंटे काम, अभी तो फटीकों से निकली हैं, अभी आराम से यार अपनी वर्कशॉप भी चल रही है, गाड़ियाँ तो आ रही हैं हल्की फुल्की, तो देखते हैं यार काले को भी साथ ले जाएंगे। वैसे आज एक बंदे ने तो आना था काम पर,
आप पता नहीं आया होगा या नहीं आया होगा, देखते हैं अभी तो। ये मैं चल के फैसल मतलब साकिब से मैं बात करता हूँ, क्योंकि यार ये बहुत टाइम होगा कहीं घूमने नहीं चले मेरे ख्याल में ना यार, पिछले साल की ईद पे गए थे अपन, वरना बहुत टाइम हो गया। अरे भाई जहाँ से मैं रोंग लेके आता हूँ ताकि जो है ना पेट्रोल बचे, वरना तो भाई इतना घुमा के लेके आना पड़ता है। यहाँ से देखो अभी ये यहाँ से जो है ना यहाँ से मैं भी निकालता हूँ सीधा रोड पे, ये हमेशा मैं यही करता हूँ ना, ये देखो यहाँ से तो हमें बाइक वाले भाई कौन जाएगा इतने लंबा लंबा, ये देखो ये आ गए अपन। अब यहाँ से सीधा सीधा रास्ता है, हेमलेट पहन लिया ताकि मैं गिर ना जाऊँ। अरे चल के मैं बात करता हूँ, ये फिर इसकी कॉल आ रही है, हराम एक मिनट यार किधर रह गया। अबे मनोज के बच्चे आ रहे हैं, सबर तो करा कर यार फैसल भाई जल्दी आओ। देखो मैंने सोचा ही था। क्या सोचा था तूने? मैंने सोचा था कि ये मोटा जिम्मी तेरे साथ ही होगा ना, मैंने तो उसको कॉल करके बुला लेता, मेरे को क्यों कॉल करता है? अबे तो साथ है ना, तभी तो तेरे को बोल रहा कि जल्दी आ यार, लड़के जल्दी आ, जब मेरा दिमाग खराब हो रहा है यहाँ पर खड़े होकर ना। और मनोज के बाद पाँच मिनट लगेंगे, पैसा निकाला था मैंने अभी, पेट्रोल पे डलवाना है ना। ये पेट्रोल वेट्रोल बाद में डलवाइयो, अभी तू इधर आ। चल सही है बाद में डलवा लूँगा, अभी आ रहा हूँ, खबर कर। ये बहुत हरामी है, बहुत हरामी है, अपनी गाड़ी निकालता नहीं है। मेरी जो है ना बाइक मनता रहता है, जब से मैंने बाइक ली जब से जा रहा था यही चला रहा है हरामी, बार बार चाबी ले जाता, कभी इधर से आ रहा हूँ कभी उधर से आ रहा हूँ। देखो मेरे को भी बुला लिया, बहुत हरामी। चलो अच्छी बात हो गई, इससे मैं भी बात करता हूँ कि पिकनिक विकनिक पर जाने के लिए। अभी तुम्हारे भाई ने बाइक भी लिया ना, मैं कोई कुछ अलग सोच रहा हूँ यार, ये कौन है पीछे से बजाए जा रहा टाटा टाटा टाटा। ये बिल्ली बिल्ली मारने का सीन नहीं है यहाँ पर, हिटाना मेरे ख्याल में किधर है, किधर है, इधर ही कहीं था यार, किधर गया हम। और तेरी मनुष्य के बच्चे भी गिरते गिरते बचाऊँ यार मैं साला। एक मिनट, ये कौन सा रोड जा रहा है फार्म हाउस के लिए? ऊपर नहीं नीचे से भाई, नीचे से। हाँ याद आ गया, वो मंडी लगाई थी ना अपन ने, इधर मंडी लगाई थी, याद होगा तुम लोगों को। किधर गया भाई, इतनी दूर तो नहीं था, इधर ही था, इधर ही था भाई, इधर ही था। ये कट मारा तुम्हारे पैसल भाई, ये किधर, ये खड़े हो मनोज करते, ये टिटी पापा टिटी पापा। तेरी मनोज, अबे यार ब्रेक, अबे क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है यार मनोज, तूने गिरा दिया मुझे। चल भाई आजा बैठ जा। अबे मुझे तो बैठने दो, तुमने तो डरा दिया भाई। फैसल भाई क्या कर रहे हो तुम? चल लड़के जल्दी बैठ जा भाई, जल्दी बैठ जा। चलो यार बस हल्का सा ही पकड़ा हुआ मैंने, हल्की सी ठोकर वोकर लगी, मैं तो नीचे गिर जाऊंगा। चल भाई देख कर चलाए, पता नहीं तू किधर रह गया था आधे घंटे से, बोल के किधर मरवा रहा था तू? आज वर्कशॉप पे भी नहीं आया यार, मैं जिम गया हूँ। कौन सा जिम गया हुआ था तू? बहुत हराम है भाई, अकेले अकेले जिम में जा रहे तू तो। वाह यार, हाँ तो तुम लोग की तरह सिर्फ खाटा छोड़ दिया, जिम जा रहा हूँ फुल डोले छोड़े। मुझे पता है तू जिम किस लिए जाता है, बच्चिया छेड़ने जाता है ना, 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 बहुत आराम है तू। बे भाई मैं तो उधर करता ही नहीं हूँ, मैं तो उठ के आगे जो तो भी मिट्टी में बना हुआ ना हल्का फुल्का जो वो है अपना, सब लोगों के लिए बना हुआ है वो, जो सब लोगों के लिए बना हुआ है कैजुअल। मैं उधर ही जाता हूँ भाई, मैं तो उधर ही जाता हूँ, कौन देगा 4,000 रुपये फीस? अच्छा 4,000 रुपये फीस, पागल हो रहा है भाई, इतने बेकार जिम का 4,000 कौन फीस देते? वही तो तेरे को मैं समझा रहा हूँ कौन देते, सबर कर किधर गया भाई, जरा ना तुम ना देख कर चला। यार साकिब तुझसे एक बात करनी थी। कैसी बारे में बात करनी थी? यार मैं सोच रहा था कि यार इतना अच्छा मौसम हो रहा है और इतना टाइम हो गया, अपन कहीं घूमने नहीं चले, कहीं घूमने चलते ना पिकनिक विकनिक बनाने के लिए। सेम सेम फैसल भाई, मैंने भी साकिब भाई को बोला सेम टू सेम कि भाई कहीं घूमने चलते हैं, इतना टाइम हो गया। अबे हाँ मोटा भी मेरे से यही बात कर रहा था। नहीं कर मोटे, हाँ 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 यही बात कर रहा था साला। चलो ये भी सही है भाई। चलो शुक्र अभी गिरी नहीं, वरना हलामी हर वक्त गिरती रहती है। चल भाई, हाँ तो भाई क्या बात चल रही थी तुम? मैंने साकिब भाई को बोला कहीं घूमने चलते हैं यार, इतना टाइम हो गया, वैसे भी घूमने नहीं चले, और तुम लोग की भट्टी की भी इतनी चल रही थी,
हाँ यार साकिब मान जाए यार, अपन कहीं घूमने चलते हैं मगर किसी अलग तरीके से। सही है, अपन चलेंगे पहाड़ों में फुल बाइकों पे। बाइकों पे देख गाड़ियों में हर कोई जाता है, बाइकों पे चलते ना फुल। देख मेरे पास मैंने भी नई बाइक ली है फुल, अब तुम लोग भी बाइक वाइक ले लो अपन फुल ना एकदम। क्या बोलते हैं उसको यार मोटे, उसको क्या बोलते हैं फुल जो साथ चलते हैं भाई, बाइक टूरिंग। हाँ वही वही बाइक टूरिंग करते हुए चलेंगे फुल, मज़ा आएगा। कपड़े वपड़े रख लेंगे भाई अपनी बाइकों के साइडों में फुल। भाई गाड़ियों पे तो हर कोई जाता है। हाँ ये तो बात सही बोल रहे, मगर यार बाइकों का जो है ना खर्चा हो जाएगा। अबे रहने तो, तुमने अभी अपनी गाड़ी बेची है 4-5 लाख की, 2-3 लाख रुपए की बाइक आएंगे ले लो तुम। वैसे भी अगर तुम लेनी होगी तुम सेकेंड हैंड ले लेना, फैसल भाई की तो पास बाइक है वैसे भी। अच्छा फैसल भाई वो तुम्हारे रिव्यू डाला का क्या, वो तुमने जाके बात करी? अबे उसकी बात नहीं कर, वो हाँ बात हो गई थी मेरी थी थोड़ी यार, वो तो अब तो गाड़ी नहीं रही। क्यों क्या हुआ गाड़ी को? बस वो सीन कर दिया ना मैंने। क्या सीन करा? बस यार छोड़, तू ये बार बता के बाइक ले रहे हो फिर चलते हो। मैं तो बोलता हूँ यार अपन ना बोल पहाड़ों में चलेंगे बाइकों पर, बाइकों पर बाइक टूरिंग वूरिंग करेंगे, काले को भी साथ ले लेंगे। बात तो तू सही बोल रहे, सोचने पे मजबूर तो कर रहे यार, मेरा भी दिल कर रहा है। वैसे तुम दोनों ने आज मुँह की बात छेड़ ली एक दूसरे की, मगर यार सच में मेरा भी दिल कर रहा है। सोचो यार साकिब भाई चलते हैं ना, मैं भी बाइक ले लेता हूँ। मेरे तो फेवरेट टूरिंग बाइक तो है BMW भाई, वो लेऊँगा। पापा को अभी कॉल कर देता हूँ, पापा को बोलता हूँ यार ये कोई जुगाड़ करो, ले लेता हूँ मैं। अबे तो तेरे पास तो पैसे हैं, तेरे पास तेरे बाप के पास इतना बैंक बैलेंस है कि तेरा पूरा BMW का शोरूम खरीदना, मगर अपन को तो सोचना पड़ेगा ना। फिर जाएंगे कहाँ पहले अगर जाना होगा तो? वो तू मेरे पैसे होते, मैं तेरे को लोकेशन बता दूँगा, फुल मजे करेंगे, 3-4 दिन के लिए निकलते हैं, क्या बोलता है? हाँ चल आजा निकलते हैं यार, बाइक वाइक लेनी पड़ेगी अगर तू बोल रहे बाइकों पर चलते हैं। हाँ गाड़ियों में तो यार हर कोई जाते हैं, वैसे सर्दियों में तो बाइक टूरिंग करने में मज़ा आएगा, क्या बोलता है? मैंने तुम लोग को बोल ही रहा हूँ भाई, कल से बात करें। काला तो लगा है वो देख पीछे हरामी। अच्छा अभी भाई किधर चल गए इनके बरचो? मैं तो भाई आधे घंटे से ढूंढ रहा हूँ किधर गया, इधर का बोले था इन्होंने तो मुझे। ये तो मैं कॉल भी नहीं कर सकता, मोबाइल तो है, मैंने अपनी अम्मी को छोड़ के अभी इधर चलता हूँ, शायद इधर ही। ओए ओ भाई ये कड़े भी सहले, यू करे मिल गए। अरे पेशल भाई, अरे काको पिस्टल इतने दिनों बाद किधर? अस्सलामुअलैकुम पेशल भाई, जीमी भाई, साकी भाई। वालेकुम अस्सलाम लड़के, तेरी आवाज़ सुनने के लिए मैं तरस गया था। अरे किधर चले गया था मनुष्य? अरे बस क्या करूँ। हाँ यार तू तो मंडी के बाद दिखाई नहीं हमें, मंडी में आया था आखिरी दफा तो। अरे सर अरे जीमी भाई क्या बताऊँ मैं तुमको यार, बस यार अपने काम बिजी हो गए थे ना, मसरूफ आदमी है, मगर अब पार ही गए। साकिब भाई ने बोला अगर तुम्हें काम चाहिए, थैंक यू साकिब भाई। हाँ हाँ लड़के तेरी ज़रूरत थी तभी, ये देख रहा वर्षों पर भी खरीदी है। अरे माशाल्लाह तुम्हारे तो सही चल रहे हैं भाई काम। अबे कहाँ काम चल रहे हैं, अभी वो जो पुरानी वर्कशॉप थी हरामी मालिक मकान ने जो इसमें भाड़े मार दिया है, नहीं तो इतनी अच्छी खादी चल रही थी। बस मत पूछ यार, हमारी भी फटीके चल रही है भाई, मगर तू सही टाइम पे आए। क्यों क्या होगी, क्या मैं आधे चल रही थी? क्यों बस यार वो हम जो है ना पिकनिक के लिए बातें कर रहे थे, मगर तुम सही टाइम पे हो। अब फ्रैंकलिन भाई भी साथ चल लेंगे, क्यों अंदर है ना फ्रैंकलिन में, जाओ जाके मिल लो। हाँ जाके इसको सलाम दुआ कर ले, काम वाम पूछ ले, आज से काम स्टार्ट कर लड़के। साकिब भाई हाँ बोल लड़के। यार वो सैलरी की बात करनी थी, कितनी सैलरी दोगे साकिब भाई? क्यों भेजल भाई, काम करने से पहले अगर सैलरी पूछ ले तो क्या ही बात है। हाँ हाँ सही है यार, तुझे मैं दे दूँगा यार 40,000 रुपये महीना, ठीक है? ओके साकिब भाई ठीक है, 40,000 तो बहुत ज़्यादा है, बहुत है मेरे लिए तो बहुत है। हाँ अगर कोई ऊपर नीचे खर्चा वर्चा लेना तो वो तो अलग कर रहे देंगे, मगर हाँ महीना तेरे को 40 मिल जाएंगे लड़के, टेंशन नहीं है तू, अपनी वर्कशॉप समझ। हाँ काकू पिस्टल अपना जो है ना काम तू ध्यान से कर, पैसे तेरे को अच्छे मिलेंगे, सही है? जा जाकर काले से मिल ले। ओके फैसल भाई, ओके जीमी भाई मैं जाके मिलता हूँ, चलो। ये तो अच्छा हो गया कि, अरे एक मिनट क्या हो गया? अरे मैं अपनी हैवी बाइक लेने है। हैवी बाइक मोटरसाइकिल बोल रहे हैं, साइकिल साइकिल। ओके ओके मिलता मिलता, चलो अच्छा हुआ लेके शू कर। अरे 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 क्या हो भाई, नशे करके आया भाई, नशे करके आया। आजकल के लोग इतने कैसे हैं, मैं अपनी दरी कड़ी कर देता हूँ, अंदर ले जाता हूँ। अबे कौन है? अरे फ्रैंकली भाई मैं हूँ।
अच्छा काकू पिस्टल, वो जिससे बात हुई थी? जी जी बिल्कुल फ्रैंक भाई, आप बताएं काम क्या करना है। हाँ ये लड़के, शुक्र है तू आ गया। अच्छा आपको साकी भाई बाहर बुला रहे थे। अच्छा मुझे बाहर बुला रहे? हाँ जी मैं आपको ही बुला रहे थे। चलो तुम एक काम करो यार, इंजन जो है ना ये खोलना है, ठीक है ना? वो भाई साहब बैठे हुए, उनकी गाड़ी है तो देख कर खोलना, ठीक है? और खोलो फिर मैं आता हूँ ज़रा उससे मिल गए, ठीक है? ये जब तक खोलो ज़रा, ये ऊपर वाला ना पूरा केज खोलो। ओके 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 फ्रैंक भाई, खोलता हूँ मैं अभी। हाँ खोलो। चलो यार शुक्र है काम करने के लिए तो लड़का आ गया। अबे खुलना, ये मनुज के बच्चे, अबे क्या हो गया उसको? भाई चल के देखो, कोई ये आंटी आंटी हैं क्या? ओ तेरी खैर भाई, लू लग गई, लू लग गई। ओ अल्लाह माफ़ करे भाई, ये खड़े हुए मनुज के बच्चे, काम वाम इनको करना नहीं होता। हाँ बुला रहा था। अरे क्या हो गया उधर, क्या कहता? अबे वो लू लग गई। मनोज के बच्चे, कौन सी लू? सर्दी हो रही तो मनोज, कौन सी लू लग रही है इतनी इतनी सर्दी में? अबे भाई वो भी बाइक वाला ठोकर गया। नहीं कर तो तुम लोग बचाने भी नहीं गए। अबे क्या हमारे को रिश्तेदार थोड़ी है, ये बता के क्यों बुलाया था? ये देख लड़के, अभी अपने को डिसाइड हुआ है कि ना अपन जो है ना पिकनिक पे चलेंगे। अच्छा कौन कौन? मैं चलूँगा क्या? वो तेरे पे भाई, मैं जिमी और फैसल तो जा रहे हैं, और अगर तुझे भी चलने तो तू भी चल ले। गाड़ी कौन सी है? अबे लड़के यही तो ट्विस्ट है, गाड़ी भी थोड़ी जा रहे हैं। फिर क्या हवाई जहाज़ में जा रहे हो, उतने पैसे कहाँ से आए? अबे सुन तो ले, बुकलैंडी का सुन तो लो, तुम बाइकों पे चलेंगे फुल। बाइकों पे? बाइक टूरिंग? हाँ बाइक टूरिंग फुल एकदम। तेरे पास तो बाइक है ना? अबे कहाँ है, वो तो ऐसी है, वो थोड़ी टूरिंग के लिए काम आएगी, वो तो ऐसी शौक के लिए रखी थी, रेप्लिका है यार, वो तो हार्ले डेविडसन की। क्या देख रहे मनोज? वही देख रहा हूँ तुम लोग के पास बाइक कौन से, फैसल के पास ही ये होंडा, तू इस पर जाएगा टूरिंग पे है? क्या हो गया पहाड़ होते हैं? और भाई क्या हुआ, 125 के अंदर 250 का इंजन डला हुआ, तुम्हें क्या बता? हाँ नहीं तो तुम बात नहीं चलो, तुम बताओ चलोगे नहीं चलोगे? वो ले जाना, हमारा काम है। मैं तो चल लूँगा, मगर मैं बैठूँगा किसके साथ? मेरे पास तो बाइक ही नहीं है। तेरे पास है जी? मैं, अबे नहीं अभी लेंगे यार, क्या होंगे तेरे पास? अबे लेंगे ना अभी, क्या हो गया काले, तू भी ले ले। नहीं यार मैं नहीं ले सकता भाई, अभी पैसे नहीं है इतने, और 3-4 दिन के लिए क्या खर्च करूँ पैसे? तुम लोग के साथ ही बैठ जाऊँगा किसी के साथ। हाँ मैं सोच रहा हूँ वैसे BMW लूँ। कौन सी? अरे यार मैं सोच रहा हूँ BMW 1200 GS ले लेता हूँ। हाँ बड़ी बाइक है। अबे बहुत बड़ी बाइक है, तेरे से भी बड़ी बाइक है, संभाल लेगा? अबे ऐसी बातें नहीं करो, संभालोगे? वो अच्छे अच्छे को संभाला हुआ है हमने। मैं लेते तो मेरे साथ बैठ जाना, कभी तुम चला लेना कभी मैं चला लेता हूँ, क्या बोलते हो? मैं ले लेता हूँ, है मैं तो वही मोड बनाया हुआ है। साकिब भाई बोल रहे हैं यार, कोई भी अगर मिल जाए होंडा में या KTM वगैरह का, सोचो यार साकिब भाई। हाँ यार लड़की मैं भी यही सोच रहा हूँ कि KTM वगैरह मिल जाए। काले तेरे कोई नज़र में है क्या? अबे KTM तो मिल जाएगी वैसे यार, OLX पे देख ले, मिल जाएगी वहाँ पर, या लॉस व्हील्स पे देख ले। हाँ लॉस व्हील्स पे देखना पड़ेगा। यार मुझे ना अभी भूख लग रही है, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग ने खाना खा लिया? हाँ हमने तो खा लिया। बहुत हरामी हो तुमने फैसल भाई। हाँ मैंने तो सुबह डबल रोटी खा ली थी, भूख नहीं लग रही यार, अभी अपना छुट्टा चल रहा है फुल। यार तुम चाबी दो यार। क्यों क्या हुआ, चाबी अभी क्या हो गया? यार मैं भी ये सामने रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, कुछ दाल चावल खा के आऊँ यार। चल ये ले। चलो सही है फिर, तुम लोग डिसाइड करो, चल लेंगे वैसे। हाँ यार वो लड़का भी आ गया, उसको देख लो साकिब। अरे कुछ नहीं यार, अपना लड़का है, काम कारीगर आदमी है, तभी तो लिया, देख सही टाइम पे आ गया ना, अभी अपन पिकनिक जाएंगे, वो पीछे से काम भी चलता रहेगा, क्या बोलते हैं? चल भाई चल। हाँ ये सही है, चल सही है, मैं भी होकर आता हूँ, रात को बात करते हैं। हाँ क्या ओके, तुम होकर आओ। चलो भाई, भाई वैसे मैं अपनी गाड़ी पे भी जा सकता हूँ। हाँ ये बात है यार फैसल भाई, मैं अपनी गाड़ी पे जा रहा हूँ। देखूँ सारा, मैं इसको दी थी मैंने ये, इसने ठोक तो नहीं दी? अबे नहीं ठोकी, नहीं ठोकी मनोज। चलो यार मैं इसी पे जाता हूँ यार, पेट्रोल ज़्यादा लगेगा। बहुत हरामी है, बहुत हरामी है, सारे मेरे पेट्रोल जो है ना जलाने में लगे। मैं हरामी की बात तो डलवा भी लिया। अबे डलवा दूंगा, अभी डलवा दूंगा। हाँ डलवा दो डलवा दो। चलो सही है भाई, भाई ये सही है भाई, बाइक वाला मार के चले गया। चलो यार यहाँ पर चलते हैं, ये तो सही पिकनिक ट्रिप प्लान कर रहे हैं, वो भी बाइक्स पे। तुम लोग बताओ भाई कमेंट्स के अंदर कि मज़ा आएगा या नहीं आएगा बाइक्स पे चलेंगे। यार मैं तो सोच रहा हूँ कि मज़ा आएगा, मैं भी चलता हूँ। बाइक बाइक तो है नहीं मेरे पास, जिमी या फैसल भाई के साथ बैठ जाऊँगा। हाँ इनको लेने दो बाइक से भी, सफ़र करो, अगर लेते हैं तो फिर मैं भी चल लूँगा साथ ही। वैसे भी यार वर्कशॉप पर तो काम आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और बंदा भी आ गया, अब तो टेंशन नहीं है।
यार इधर ही ले तो, इसके दाल चावल अच्छे होते हैं। हाँ ये मैं अक्सर खाता हूँ। बाइक को इधर ही पार्क कर देता हूँ।